सच्ची खबर अभी जिंदा है, आज तक सबसे तेज। युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, हथियार भी। अब पारंपरिक हथियारों की जगह दूर से हमला करने वाले हथियार विकसित हो रहे हैं। भविष्य में युद्ध ज्यादा ऊर्जा वाले हथियारों से लड़ा जाएगा और यही वजह है कि भारत भी ऐसे हथियारों को बनाने में पीछे नहीं हट रहा। हॉलीवुड फिल्म स्टार वॉर्स के हथियारों की तरह भारत भी ऐसे हथियार बनाने जा रहा है जिसके हमले से पड़ोसी दुश्मन देश कांपेंगे। चलिए आज हम आपको बताते हैं भारत के एक ऐसे ही ब्रह्मास्त्र के बारे में जो सेकेंडों में दुश्मन के टैंकों मिसाइलों को तहस नहस कर देगा। दरअसल इसका नाम है दुर्गा लेजर वेपन। जैसे ही भारत के इस रक्षक का नाम चीन और पाकिस्तान को सुनाई देता है वैसे ही उनके अंदर खलबली सी मच जाती है, और हो भी क्यों ना। ये एक ऐसा हथियार है जिसके एक वार से पाकिस्तान का पूरा ग्लेशियर तबाह हो सकता है। दरअसल DRDO द्वारा दुर्गा 2 लेजर वेपन विकसित किया जा रहा है। DRDO रक्षात्मक और आक्रामक उपयोग के लिए ठोस फाइबर और लेजरों का उपयोग करके अलग अलग लेजर पीढ़ी तकनीकों का विकास और सुधार कर रहा है। दुर्गा 2 लेजर वेपन तीनों प्लेटफॉर्म यानी थल, जल और नभ में एकीकृत किया जाएगा। ये लेजर वेपन 25 किलोवाट का बनाया जा रहा है जो अपने टर्मिनल चरण के दौरान अधिकतम 5 किलोमीटर की दूरी पर बैलिस्टिक मिसाइलों को आसानी से निशाना बना सकता है। दिलचस्प बात यह है कि 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 2 दशकों के लिए दुर्गा परियोजना का अस्तित्व बताया गया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस लेजर वेपन के हमले में न तो आवाज होती है न किसी तरह का धूम धड़ाका, ये चुपचाप अपने दुश्मन के टारगेट में छेद कर देती है या फिर उसे जलाकर राख कर देती है। इस हथियार को पूरी तरह से लॉन्च होने में कितना समय लगेगा ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन पिछले दिनों भारत ने 2 एंटी ड्रोन DEW सिस्टम बनाए थे। इनकी टारगेट रेंज 1 से 2 किलोमीटर है। इनके अलावा ऐसे हथियार भी बनाए जा रहे हैं जो माइक्रोवेव किरणें छोड़कर दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो सिस्टम, संचार सिस्टम सबको नष्ट कर देंगे। कम्युनिकेशन की कमी और कमांड न दे पाने की स्थिति में दुश्मन बेहद कमजोर हो जाता है, इससे उस पर हमला करना आसान हो जाता है। जिस तरह DRDO एक के बाद एक खतरनाक हथियार बना रहा है उससे एक बात तो साफ है, अगर दुश्मन ने सीमा पर किसी भी तरह का एक गलत कदम उठाया तो उसका अंजाम उसे मिनटों में भुगतना पड़ सकता है। दुश्मन के सभी टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलें एक धमाके के साथ खुद ब खुद आग के गोले में बदलकर खाक हो जाएंगे। मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के साथ ही साथ ये ड्रोन जैसे आम विमानों को भी मार गिरा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।